हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट एंड व्हाट इज लाइनर शिपमेंट। यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट एंड लाइनर शिपमेंट। तो यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा। ये जब टॉपिक इंपॉर्टेंट तब है जब LC पेमेंट है। LC में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिखे हुए होते हैं और वहाँ पे लिखा है ट्रांसशिपमेंट नॉट अलाउड, और आपने ट्रांसशिपमेंट कर दिया तो फिर LC में जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक हो गई तो वो आपके पैसे काट सकती है, कौन, बैंक। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ट्रांसशिपमेंट एंड लाइनर शिपमेंट। यहाँ पे देखिए, शिपिंग लाइन का वो सर्विस है। लाइनर मतलब सीधा जाता है, मतलब यहाँ से अमेरिका सीधा जाएगा उसे लाइनर शिपमेंट, मतलब यहाँ मुद्रा पोर्ट से शिप निकलेगा सीधा जाएगा न्यूयॉर्क पोर्ट, उसे लाइनर बोलते हैं। ट्रांस या ट्राम भी बोलते हैं उसे। ट्रांसशिपमेंट मतलब वाया, मतलब मुद्रा पोर्ट से शिपमेंट निकलेगा, वो जाएगा केन्या के पोर्ट पे जाएगा, उसके बाद अफ्रीका के पोर्ट पे जाएगा, उस साउथ अफ्रीका के पोर्ट पे जाएगा, उसके बाद अमेरिका जाएगा, तो उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो आप ऐसी गलती मत करना, अगर वो अलाउ नहीं है, ट्रांसशिपमेंट अलाउ नहीं है, तो आपको ट्रांसशिपमेंट करना नहीं है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि कई कंट्री ऐसी है जो ट्रांसशिपमेंट अलाउ नहीं करती है, जैसे कि अमेरिका का कोई भी गुड्स हो तो वो ईरान में नहीं जाना चाहिए, अगर ईरान होके वो गुड्स आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो ध्यान में रखना है। कई कंट्री को ऐसा होता है कि वो कंट्री हमारी दुश्मन है तो वहाँ पर हम उसका कुछ वहाँ जाएंगे नहीं भी, वहाँ का कुछ खाएंगे भी नहीं, वहाँ उसके साथ रिश्ता इतना नहीं रखेंगे। तो कोई भी जो शिपमेंट है, बराबर है, अगर ट्रांसशिपमेंट होता है, जैसे कि अपने इंडिया का ही ले लो, पाकिस्तान है तो हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके साथ बिजनेस नहीं करना है, बराबर है, एज ए इंडियन हमें उसके साथ बिजनेस नहीं करना है। तो वो होता है, कोई गुड्स बोलेगा पाकिस्तान से वाया भेजेंगे, भाई नहीं चाहिए, रख अपने पास, समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके साथ कंट्री के साथ दुश्मनी होती है तो उसका हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ट्रांसशिपमेंट एंड लाइनर शिपमेंट में ध्यान रखना है। और दूसरा होता है TT, ट्रांजिट टाइम। जो शिपमेंट होता है उसका एक TT होता है, ट्रांजिट टाइम होता है। मतलब क्या हुआ कि शिपमेंट कितने दिनों में सामने वाले पोर्ट तक पहुंचेगा। तो TT भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक हमारे क्लाइंट का हुआ था, उसने क्या किया, यहाँ से पोटैटो जो है दुबई भेजना था, उसको पता नहीं चला और उसने ट्रांसशिपमेंट में भेज दिया और नॉर्मल कंट्री में भेजा उसने, क्योंकि यहाँ से 4 डेज में दुबई पहुंच जाएंगे तो पोटैटो नॉर्मल ख़राब नहीं हो गए। तो बट उसमें हुआ क्या, ट्रांसशिपमेंट हो गया, मुद्रा पोर्ट टू जो शिपमेंट था, जो कंटेनर था, बराबर है, वो गया कोलंबो, श्रीलंका गया। तो वहाँ यहाँ से 1 से 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए वहाँ पे, और वहाँ पे उसको जो इधर उधर कंट्री सब किए और कोलंबो टू वो शिपमेंट गया दुबई, तो क्या हुआ, उसमें 9 डेज लग गए। तो पोटैटो से अंदर ख़राब हो गए, गर्मी होने के वजह से पोटैटो अंदर ख़राब हो गए। बाहर ने फोटो भेजा कि देखो आपके पोटैटो ख़राब है, हम कोई पेमेंट नहीं देंगे। आपको पता है दुबई का जो पेमेंट टर्म है वो DAP ही चलता है, 10 डेज उधारी में चलता है। तो खराब गुड्स निकला तो बाहर ने कोई पैसा नहीं दिया। मेरे क्लाइंट मेरे पास आके मुझे बताते कि सर ऐसा हुआ, तो गलती हो गई थी हमसे। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस इज़ वेरी इजी, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कि पहले से सीखो तभी फायदा होता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने यहाँ गलती की, बैंक ने हमारे इतने इतने चार्जेस काट लिए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लर्न करना। तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट और लाइनर शिपमेंट में हमेशा ध्यान रखना है। लाइनर शिपमेंट का ट्रांजिट टाइम कम होता है, ट्रांसशिपमेंट का ज़्यादा होता है, तो आपको पता नहीं है तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर आंसर दूंगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो नए नए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।